नाउ वी विल लर्न अबाउट क्लासरूम. क्लासरूम क्या होती है? क्लासरूम वह एक कमरा है जहाँ पर बैठ के आप स्कूल में पढ़ते हैं. तो क्लासरूम में क्या क्या होता है? क्लासरूम में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. तो क्लासरूम में सबसे पहले क्या होता है? क्लासरूम में टीचर होती है, मतलब हमारी अध्यापिका जो हमें पढ़ाती है. और क्या होते हैं? स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स मतलब बच्चे, बच्चे जिन्हें टीचर पढ़ाती है. और क्या क्या होता है क्लासरूम में? क्लासरूम में आपका स्कूल बैग होता है. आप सब स्कूल जाते हैं, अपना प्यारा प्यारा स्कूल बैग लेके जाते हैं. उसमें आप क्या रखते हैं? डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रखते हैं. पेन एंड पेंसिल. पेंसिल से बच्चे काम करते हैं और पेन से टीचर क्या करती हैं? आपकी कॉपीज चेक करती हैं. आपकी टीचर हमेशा रेड पेन यूज़ करती हैं आपकी कॉपी को चेक करने के लिए. आफ्टर देन ग्लोब. ग्लोब क्लासेस में होता है. ग्लोब हम किसे कहते हैं? ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ. ये अर्थ का एक स्मॉल मॉडल है. आफ्टर देन चॉक एंड डस्टर. सबकी क्लास में चॉक और डस्टर होता है. चॉक की हेल्प से टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखती है और विद द हेल्प ऑफ डस्टर वो अपने काम को इरेज करती है. आफ्टर दैट चार्ट. क्लासरूम में बड़े बड़े चार्ट्स लगे होते हैं. चार्ट्स पे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर चार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, एक्सेट्रा. बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जो क्लासेस में भी लगे होते हैं. आफ्टर देन डेस्क. डेस्क क्या होती है? डेस्क पर आप रख कर अपना काम करते हैं. इरेजर. जब आप पेंसिल से वर्क करते हैं तो अगर कोई काम गलत हो गया तो उसे आप इरेजर, इरेजर को हम रबड़ भी कहते हैं. लंच बॉक्स. सब स्कूल जाते हैं, लंच लेके जाते हैं. कैसा लंच लेके जाते हैं? यमी यमी. और उस लंच को हम किस में रखते हैं? लंच बॉक्स में रखते हैं. आफ्टर देन चेयर. चेयर क्या होती है? चेयर का मतलब होता है कुर्सी जिस पर आप बैठते हैं क्लास में. बुक्स. सबके पास क्या होती हैं? बुक्स होती हैं. जब आप स्कूल जाते हैं अपनी बुक्स लेके जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल. और क्लास में क्या होता है? मैप होते हैं. बच्चों, हम सबको अपने क्लासरूम को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. कभी भी अपना क्लासरूम गंदा नहीं करना चाहिए. इफ़ यू वॉन्ट टू थ्रो द वेस्ट पेपर और एनीथिंग एक्सेट्रा यू हैव टू यूज़ डस्टबिन. कोई भी कूड़ा या जब आप पेंसिल शार्प करें तो उन सब वेस्टेज या गार्बेज को आपको कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन में डालना चाहिए. ऑलवेज कीप योर क्लासरूम नीट एंड क्लीन.